गाना भी जब कोना कोई नहीं हमारा सारा मार तीन लड़की है ये लड़की अगर लड़के चक्कर में रहता तो कहीं जाता था लड़के के चक्कर में रहता वो या नहीं आता वही बड़ा लड़का था वही आसरा था हमारा बड़ा बेटा मम्मी टेंशन मत करना मम्मी मैं तू कमा के खिलाने वाला टेंशन क्यों कर रहा है लीला हम काम कर रहे हैं टेंशन क्यों कर रहे हैं हम काम कर रहा हूँ तू काम कर सर कब तक करोगे मैं काम कर रहा हूँ एक ही केस थोड़ी ऐसे आप ही के मैं लगा रहूंगी आप तो देखिए सर उसमें क्या मेरे दुश्मनी हो गई मेरे बच्चे के पीछे वो तो ऊपर वाला जानेगा उसका ये पूरा नक्शा बिगाड़ रखा तो मार मार के बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग बिजवासन में आए हुए हैं और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है कि एक युवक जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है वो 18 दिन पहले गुम हो जाता है और ऐसे में परिवार वाले गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं लेकिन जब 18 दिन बाद उसी युवक की लाश बरामद होती है एक नाले से ऐसे में दिल्ली पुलिस पर बहुत बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्यों 18 दिन में उस युवक को ढूंढा नहीं और ऐसे में जो लाश बरामद होती है वो कितना बड़ा खुलासा है। इस वक्त परिवार वालों से जुड़ेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है आपको दिखाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? नीलम। नीलम हाँ जी। आप उनकी मम्मी हैं? हाँ जी। क्या मम्मी हुआ था? सॉरी ऐसे ही हुआ था हमारे लड़का गाड़ी चला रहा था गाड़ी चला के गाड़ी लगा दिया ऑफिस में ऑफिस में गाड़ी लगा कर आकर मेरे बोला मम्मी गेट खोल देना मैं गेट खोल दिए तभी मेरे लड़का 10 मिनट में इंतजार किया मेरा लड़का नहीं आया फिर इंतजार कर लिए फिर मैं फ़ोन किए यहाँ से बोले मैं बेटा कहाँ है तो बोला मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ इतने में मेरे फ़ोन के ना होल्ड कर दिया मेरे फ़ोन होल्डे पर था किसी बंदे के फ़ोन आ गया मेरे होल्ड कर दिया तब से मेरे लड़का फ़ोन नहीं उठाया जब से फिर हम बाहर निकल गए ढूंढने के लिए ऑफिस पर गए मेरे लड़का ऑफिस पर नहीं मिला फिर उसके पास 2 बंदे था एक बंदे घर पर गया दो एक बंदे उस घर में था मेरे लड़का कहाँ गया लापता नहीं कहीं ना मिला हमारा हमारे लड़के के 20 दिन हुआ 20 दिन के बाद में 11 तारीख हमारा लड़का 4-5 दिन के लाश 11 तारीख के हमारा लड़का मिला समझ गए जी कुछ भी हम कार्रवाई किए द्वारका सेक्टर में वो पुलिस वाले हमारे कार्रवाई कुछ भी नहीं बताया कुछ भी सुनवाई नहीं किया मेरी नंबर की स्पोर्ट लार अति में डाल दिया लेकर नंबर कर दिया कि गरा मैडम मैं काम कर रहा हूँ टेंशन क्यों कर रहे हो ऐसा क्या गलती किया तुम्हारा लड़के ऐसा किसी लड़की के लेकर भाग गया अगर हमारा लड़का लड़की के लेकर भाग जाता तभी अपने माँ बाप से मिलता जरूर 11-20 दिन के बाद 11 तारीख के लड़का के लाश मार के मेरे कमरे के सामने नाले में डाल दिया कहाँ से आया वो पुलिस वाले कुछ भी नहीं बताया किस चीज़ के नौकरी करते हैं गरीब लोग कैसी जान लेंगे मारेंगे गरीब लोग के अगर पैसे कौड़ी नहीं रहेगा तो जीने नहीं देंगे क्या हमारा एक लड़का था 3 लड़की है हमारा सारा वही लड़का था जी। तो कोई लड़ाई झगड़ा था क्या उनके साथ कुछ ऐसा? देखिए जी वो तो मेरे को अभी पता नहीं है सो उसके पास क्या हुआ था नहीं होगा अब लड़का जाते है माँ बाप के इतना मालूम थोड़ी चलेगा से बाहर में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात सीखकर दोस्त यार उसका काम धंधा ऐसे किया है। अच्छा। जितनी दोस्त यार है ना वही इतना किया है उसका पास। आपको रात को फोन आया था? हाँ जी रात में हमारे थे तब हमारे आया था 12:05 में फोन आया था हमसे बात हाँ बात हुआ था हमसे लास्ट फोन 12 बजे आपको आया था बात हुई थी उस टाइम वही बात हमारा हुआ तो जब बात लास्ट में बात हुआ है उन्होंने मेरे फोन के होल्ड कर दिया है होल्ड के बाद में फिर फोन मेरे रिसीव नहीं किया फोन बंदा छीन लिया वो जब से मेरे बात नहीं होने दिया कोई बात नहीं हुई सिर्फ होल्ड पे हो गया होल्ड पर बात नहीं हुआ मैं बाहर निकल गए ढूंढने के लिए पूरे भरथल खोजे पूरा बिजवासन खोजे होल्ड पे चला गया उसके बाद आप ढूंढने निकल गए और तब से मेरे फोन के कार्ड का सीजब कर दिया तो कम से कम पुलिस वाले के ये काम होता है किसी को कोई गुम होता है चाहे कुछ खतरा होता है उनका ये काम होता है ढूंढने का होता है से हमारी नौकरी किस चीज़ के मैं बैठे यहाँ कमा रहे हैं किस चीज़ की नौकरी हम ले रहे हैं ये बंदा कहाँ गया मेरे पास पेश आया केस आया अगला के तो हम बताएंगे अगर नहीं मिलेंगे उसका मैं फोटो दे दिए 15 फोटो दिए लड़का के खींच के हम उसका कुछ भी नहीं कहीं छापामारी किया नहीं छापा ना उसका कुछ भी आईडी कहीं नहीं काला बच्चा के हमारा जान से हमारा बच्चा के तो वही लोग हमारे जान से बच्चे के मरवाया होगा
भर दिन में हम उसका 5-6 बार कॉल करते थे लड़का के पास, मम्मी अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी फोन मम्मी मत करना, गाड़ी मैं रोकूंगा ना तो मैं खुद बात कर लूंगा। गाड़ी रोक के मेरे लड़का बात करता था, बाकी ये ना कहता मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो जाता था तभी मेरे लड़का किसी के फोन से, मम्मी टेंशन मत करना मैं यहाँ पर हूँ, मैं आ रहा हूँ, इतना टाइम में घर पर आ जाऊँगा। जबकि मेरे घर पर लड़का आ जाता था तो वो दिन कि मेरे लड़का घर पर क्यों ना आया, क्या चक्कर हुआ मेरे लड़का क्यों ना आया, फोन होल्ड हुआ और मेरे वही ADI निकालना है उसका। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले के साथ में इतना हम किए, फेस किए, कोई कार्रवाई नहीं किए, कुछ भी किए नहीं कार्रवाई, कुछ भी सुनवाई नहीं लिए, हमारे सुनवाई नहीं लिए, हमको जो कॉल डिस्चार्ज कल के दो वही कल के नहीं दिया, कुछ भी ना किया। आपने खुद निकलवाई? खुद मैं जाकर दूसरे कपड़सरा थाना से मैं खुद मैं निकलवा के लेकर आई हूँ, बाकी द्वारका सेक्टर वाला हमारा कोई काम नहीं किए। कॉल लिस्ट जो निकलवाई वो पुलिस को नहीं दिखाई? हम नहीं दिखाए उसको, हम ये न दिखाए, अगला जिसका मैं केस किए हैं पहला मेरे द्वार का सेक्टर लग रहा है तो उनके ना पकड़ेंगे हम, उनके वो तो नहीं आ गया हमारे बीच में, तो हम उनको जाकर पहले किए उनको देख रहे हैं। क्या नाम है पुलिस वाले का जो केस देख रहे हैं आपका? बहादुर सिंह। मेरे से बात कुछ भी ना, हमारा लड़का छुपाता था, वो ना समझ कैसे मम्मी है कैसे बेटा है, कितनी तरह से हम बेटा के मैं बाल लगी बाबू मैं सर मन बेटा के हमारा कोई नहीं सहारा है कि वही बेटा मर सारा था मैं अभी देख रहे लड़का के मजाक इतना का मेरा बेटा सोता हमारा पीछे कोई दुश्मन है तो जरूर मेरे को बताता, अब ऐसे अनजानी में कैसे बेटा के हमारा पीछे घेर लिया थे। मैं बोला मम्मी आ रहा हूँ, तेरे फोन आ गया बेटा के, कोई दोस्त यार बुला लिया होगा गुड्डू चलो हम खिलाएंगे पिलाएंगे, बेटा कैसा सुधुआ मन था चला गया होगा उसका खिला पिला के नशा चीट गए बच्चा के काम 22 तारीख अगर मार दे अति में रखता नाला में तो हड्डी दिखाता। नाले में था ये पुलिस वालों ने ढूंढा या आप लोग? नहीं जी पुलिस वाले नहीं ढूंढा है, अरे पुलिस वाले एक बार मेरे कमरे पर नहीं आया है, मेरे गली में नहीं आया, इधर कभी ना आया है पुलिस वाला। हमारा पता ऐसे चला मैच यहाँ हो रहा है लड़के लोग बच्चे लोग मैच खेल रहा था वहाँ पे, तो मैच खेलने में ना ज्यादा पानी नहीं है दिखा देती वहाँ जाकर, तो उसमें ना ऐसा लड़का के पड़ा रखा था ऐसी ऐसे मुंह बांध रखा था, ये मुंह बांध रखा था कले कपड़े से ऐसा हाथ था ना तो जान मैच गेंद इस पर आ गया लड़का का, वो तो लड़का आया लेने ना गेंद हाँ बच्चे तो डर गया कस से बोला तो इसमें तो हमारे लड़का के यहाँ बद्दी था टी शर्ट पे ना तो उसमें बद्दी होता ना बांधने वाला, तो ये बद्दी दिखाया हाथ दिखाया पैर ऐसे ऐसे दिखाया था पैर, तो वो डर गया बच्चा देख डर गया तो बोला किसी से तो लाश पड़ा हुआ है, फिर हम हमारे बोलाया हमारा बोला कि से यही तुम्हारा लड़का है, हम गले हमारा लड़का है वो, हमारा जितना लड़का पेन रखा था गले में चांदी की सिकड़ी था, हाथ में हलमानी था चांदी के, उंगली में था, कान में सोने का था, हमारे बच्चे के हाथ में सारे पेन रखा था, पैर में चप्पल था, जय की कैसे मारा था चाकू लगा था क्या लोग अभी तो देखिए उतना नहीं पता चलता था। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इन्होंने खुद से जो काम दिल्ली पुलिस को करना चाहिए कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढने के लिए खुद करा है उन्होंने। ये देखिए कॉल रिकॉर्डिंग है जो उस रात को बात की गई थी, इसमें नंबर के साथ विद एड्रेस सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आखिरी कॉल किससे बात की गई थी। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आखिरी कॉल है वो इन्होंने अपनी मम्मी को की थी, लेकिन उस जैसे ये बता रही है कि होल्ड पर कॉल गया था उससे पहले एक नंबर पर बात हो रही थी, उसमें यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है साफ, लेकिन अभी तक ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की लिस्ट है इन्होंने दिल्ली पुलिस को नहीं दिखाई है। हालांकि इसमें साफ पता चल जाएगा कि आखिरी कॉल किससे बात हुई, वो कौन सा शख्स है जिससे आखिरी बात हुई जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया। इन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी दिल्ली पुलिस को, लेकिन 18 दिन बाद इनके बच्चे का नाले से शव बरामद होता है। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो ये जल्दी सॉल्यूशन निकल जाता और जल्दी पता चल जाता कि आखिर ये हत्या का मामला है या फिर गुमशुदा है, जो भी इसके पीछे का कारण है वो पता चल पाता, लेकिन इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई और ऐसे में 18 दिन बाद नाले के अंदर से उस 22 साल के युवक का शव बरामद होता है। इस वक्त परिवार वाले इंसाफ चाहते हैं कि आखिर जिस व्यक्ति ने इस पूरी साजिश को रचा है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले और उसको पकड़े। तो जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।